संतों में एक ऐसा संत वृंदावन में कहां से आया जिसके आगे दुनिया का हर आदमी झुकता हुआ पाया। क्या श्री प्रेमानंद महाराज की कहानी देवरहा बाबा जैसी है? जब दोनों किडनी नहीं है तो जिंदा कैसे हैं बाबा? क्या संत की विद्या के आगे हार गया विज्ञान? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर महाराज प्रेमानंद की वीडियो वायरल हो रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भीड़ से अलग एक संत वृंदावन में बैठा है जो शांति से जीवन जीने का एक अलग ही रास्ता दिखा जाता है। महाराज दावा करते हैं कि उनकी दोनों किडनी फेल है। रात 2 बजे तक अपने आश्रम से परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो ये भीड़ उनका स्वागत क्यों करती है? छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब उनको भगवान की तरह क्यों मानते हैं? जिस संत का न स्वैग है न लाखों की भीड़ में वो कथा सुनाते हैं, फिर भी उनकी कहानी में ऐसा कौन सा सत्य है जो आपको ये कहानी सुनने के बाद वृंदावन जाने पर मजबूर कर देगा? ठाकुर देवकी नंदन महाराज जिसके चरणों में बैठकर वंदना करते हैं, विराट कोहली जिसके आगे घुटने के और शीश के बल नवाते हैं, जज फैसला लेने से पहले उनकी राय लेता है, मानो दुनिया को एक ऐसा संत मिल गया हो जो आडंबर से दूर ज्ञान की गुफा में विज्ञान को चैलेंज दे रहा हो। इसलिए आपको हम पूरी सच्चाई सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर कौन है प्रेमानंद महाराज। यूपी के कानपुर में आज से 60 साल पहले बाबा का जन्म सरसौल नामक ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ था। सिर्फ 10 साल की आयु में प्रेमानंद महाराज अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैं पढ़ाई नहीं गीता पढ़ना चाहता हूँ, मैं रामायण को समझना चाहता हूँ, मैं भगवान को समझने के लिए उनकी साधना करने के लिए आश्रम जाना चाहता हूँ। माता पिता को लगा बेटे को किसी ने कुछ बताया होगा या बेटे ने किसी संत से ये बात सुन ली होगी, पर महाराज का मन तो सिर्फ भगवान में लीन था। फिर क्या था, प्रेमानंद महाराज 10 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए और आ गए महादेव की काशी नगरी में। महाराज बताते हैं कि मैं वाराणसी में 4 बजे भोर में गंगा स्नान करता था और भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करता था और प्रभु की नगरी में संतों के साथ रहकर ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाया करता था। कहते हैं, इरादे अगर बड़े हो तो हौसला भी चट्टानों की तरह हो जाता है। भगवान को आना पड़ता है, बस भक्त की श्रद्धा और सच्चाई होनी चाहिए। और यहीं से अज्ञानी बालक के महान संत बनने की कहानी शुरू होती है। वाराणसी में गंगा की गोद में सोए प्रेमानंद महाराज के सपने में एक दिन भोलेनाथ दिखाई देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें भगवान से मिलना है तो तुम वृंदावन जाओ। फिर क्या था, महाराज दूसरे दिन वृंदावन के लिए रास्ता नाप देते हैं और जब वृंदावन पहुंचते हैं तो जिंदगी में दूसरा अध्याय लिखने की शुरुआत कर देते हैं। वृंदावन में श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करने के दौरान प्रेमानंद महाराज फूट फूट कर रोने लगते हैं। मंदिर के अन्य भक्तों ने देखा कि एक जवान बालक भगवान को देखकर क्यों रो रहा है। सत्संग राधा वल्लभ से लगाव और भगवान में आस्था ने उन्हें उम्र के साथ एक वरदान दिया। 35 साल की उम्र में उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और बाकी आश्रमों में खबर पहुंची कि बाबा अब नहीं बचेंगे। डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखा और कहा, बाबा सिर्फ 5 साल के ही मेहमान है, आपकी किडनी फेल हो चुकी है। बाबा को लगा 5 साल है तो भगवान की भक्ति करते करते ही मौत मंजूर होगा, पर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। पिछले 25 साल से महाराज अपनी दोनों किडनी के बगैर जिंदा हैं और वो क्यों हैं ये भी हम आपको बताते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का डायलिसिस समय समय पर होता रहता है। क्या आप जानते हैं कि डायलिसिस के दौरान खून की वो लाल वाली ट्यूब से बाहर निकाला जाता है, फिर डायलिसिस मशीन से वो खून गुजरता है और फिर नीली ट्यूब से उसे वापस शरीर में डाला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 4 घंटे लगते हैं और मरीज बेड पे इमोबाइल रहता है। ये प्रोसीजर हफ्ते में 3 बार होता है, इसका मतलब 1 महीने में 12 बार, और हर बार ये 4 घंटे लेता है, इसका मतलब 48 घंटे। इतनी तकलीफ के रहने के बावजूद प्रेमानंद जी महाराज सबको शांति का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। ऐसे संत को आज पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक होकर सलाम कर रहा है। वैसे प्रेमानंद महाराज जी पर आपका क्या विचार है, अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बताएं और बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज़।